बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हो आर यू लास्ट वीक वी स्टडीड अबाउट द मोनोसैकेराइड्स एंड टुडे विल डिस्कस्ड द सेकेंड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज द डाइसैकेराइड्स ईच डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स बॉन्डेड टुगेदर डाइसैकेराइड क्या होते हैं दिज आर द लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स एंड दिज आर फॉर्म्ड बाई द कंबिनेशन ऑफ टू मोनोसेकराइड्स जब दो मोनोसेकोराइड आपस में जॉइन होते हैं बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना के एक बिगर साइज मॉलिक्यूल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं दिस इज द डाई सेकराइड जनरल फार्मूला डाई सेकोराइड का क्या होगा जनरल फार्मूला है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू एंड ओ इलेवन ठीक है दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द डाई कॉमन डाई अगर हम देखें एग्जाम्पल्स देखें तो कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं माल्टोज सुक्रोज़ एंड लेक्टोज दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डाई सेकराइड्स नाउ विल डिस्कस ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट वट इज माल्टोज दिस अकर्ज इन स्प्राउटिंग ग्रेन्स ये जो स्प्राउटिंग ग्रेन होते हैं यानी जो ग्रोइंग ग्रेनज़ होते हैं जो अभी आप कह लो जैसे जर्मिनेटिंग सीड्स वगैरह होते हैं तो उनमें ये माल्टोज़ बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है जो सीड हम सो करते हैं और जो जर्मिनेट हो रहा होता है ठीक है उसके अंदर स्पेशली जो ग्रेन्स हैं ये गंदुम चावल वगैरह इनके जो होते हैं इनमें ये माल्टोज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है ठीक है सो दिस अकर्स इन स्प्राउटिंग ग्रीनस इट कंसिस्ट्स ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बॉन्डिड टुगेदर ये जो है uh, माल्टोज़ मॉलिक्यूल ये कैसे होता है किसकी कौन से दो मोनोसेक्राइड कम्बाइन किए हुए होते हैं टू ग्लूकोज मॉलीक्यूल जो हैं जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो कम्बाइन करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल बिगर साइज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं दैट इज़ द माल्टोज़ मीन्स ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ गिव्स माल्टोज़ प्लस वाटर ग्लूकोज़ का अगर हम फार्मूला देखें तो दैट इज़ सी सिक्स एज ट्वेल्व ओ सिक्स सो टू सी सिक्स एज ट्वेल्व ओ सिक्स जब कम्बाइन करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमें एक जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल मिलेगा माल्टोज़ का दैट इज़ सी ट्वेल्व एज ट्वेंटी टू ओ इलेवन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज होता है ठीक हो गया अच्छा अब ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होगा ये जो कम्बिनेशन का रिएक्शन होता है यानी टू मॉलिक्यूल जो कंबाइन करते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन नो व्हाट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल सिंपल यानी स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल विद द रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी वो कॉम्बिनेशन जिसमें के टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करें और उस कंबिनेशन के रिजल्ट में वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो उस कंपाउंड कम्पाँण, उन कंपाउंड्स में से रिलीज हो रिमूव हो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ द कंडेंसेशन रिएक्शन सो जब ग्लूकोज ग्लूकोज से कंबाइन करेगा तो माल्टोज बनेगा और साथ में बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है सो दिस इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स अस माल्टोज प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज़ोन एज द कंडेंसेशन रिएक्शन ठीक है जी ये देखें दिस इज द इक्वेजन केमिकल इक्वेजन इसमें देखें अगर आप तो ये देखें दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिस विल कंबाइन विद एन अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ठीक है अब देखें पोजीशन नंबर वन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पोजीशन नंबर फोर पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सो so, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंप्लीट और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एच ये कंबाइन करेंगे तो जिसके रिज़ल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा ओ एच प्लस एच अस वाटर मॉलिक्यूल अब ये जो ओ रह गया है वो इन दोनों को यहाँ पर ऐसे कंबाइन कर देगा ठीक है तो ये टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक बॉन्ड डेवलप हो गया है जिसके ज़रिए दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे Now this is a bigger size compound that is formed by the combination of glucose and glucose. So, two glucose molecules, when combined together, when bonded together, they form a bigger size molecule that is the disaccharide and this is the maltose. Now, the next example is sucrose. This is also an example of disaccharide. Sucrose occurs in sugar cane stem, ganna joham hain. स्वीट फ्रूट्स जितने भी फ्रूट जिनका टेस्ट स्वीट है उनके अंदर एंडसर्टन स्टोरेज रूट्स और कुछ ऐसी रूट्स जिनके अंदर फूड स्टोर होती है जैसे कि ये आप देखते हो बीट रूट खाते हो शक्करी खाते हो ठीक है उसके अंदर सुक्रोज होती है काफ़ी अमाउंट में बट दिस कंपाउंड इज़ नॉट फाउंड इन मैमल्स मैमल्स में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है दिस सुक्रोज मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल विच आर बॉन्डेड टूगैदर इट्स मीन दैट सुक्रोज इज़ फॉर्म्ड बाई द कंबिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो उसके रिजल्ट में सुक्रोज हमें मिलेगा और साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होता है ठीक है ग्लूकोज प्लस फक्टोज गिव्स अस सुक्रोज़ एंड वाटर एंड दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन क्योंकि इसमें भी दो स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन करके बिगर साइज मॉलिक्यूल बना रहे हैं बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल सो दिस इज़ आल्सो अ कंडेंसेशन रिएक्शन सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द डाइसराइड्स नेक्स्ट कम्स ये देखें दिस दिज आर द रिएक्शंस जो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज कम्बाइन करेंगे और ग्लूकोज़ के भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रेड से शो किया हुआ है और फ्रक्टोज में जो हाइड्रोक्सिल है उसका है एच रेड से शो किया है ठीक है जब ये दोनों मॉलिक्यूल कम्बाइन करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में ए, ये दोनों एच और ओ मिलकर तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देंगे ठीक है और जो रिमेनिंग ओ है ये यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा दोनों मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देगा ये जो बॉन्ड बनता है ना टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन सच्चेवे उसे हम कहते हैं दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या इसको हम कहते हैं दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है ठीक है और जो ये वाला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसे हम कहेंगे वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्योंकि ग्लूकोज के कार्बन नंबर वन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा जो फ्रक्टोज़ का मॉलिक्यूल है उसके कार्बन नंबर टू का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है सो so, इसको हम कहते हैं दिस इज वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है और ये जो नया मॉलिक्यूल बना है ये कौन सा मॉलिक्यूल है दिस इज सुक्रोज मॉलिक्यूल ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेक्टोज ठीक है जी लैक्टोज जो है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द मिल्क शुगर कहलाती है क्योंकि जो लैक्टोज कंपाउंड है डाइसेक्राइड है दिस अकर्स इन द मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स जितने भी हमारे मैमल्स हैं उनके मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है जो स्वीट टेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक्टोज सो so इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं दिस कंसिस ऑफ ग्लूकोज एंड अ एलेक्टोज मॉलिक्यूल ठीक है ये दो किन मोनोसेकराइड्स की कम्बिनेशन से बना हुआ है दिस इज़ फॉर्म बाई कम्बाइनिंग द ग्लूकोज विद द गैलेक्टोज मीन्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दिस दिस गिव्स अस लैक्टोज़ मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल अगेन दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन ठीक है बेटा तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक दैट इज अबाउट द डाई आज हमने इसके अंदर लेक्टोज uh, और फिर हमने सुक्रोज और फिर हमने माल्टोज ये तीन एग्जांपल्स को डिस्कस किया है और इसमें हमने देखा है कि डाइसेकराइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है डाइक्राइडस आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन सफिशिएंट फॉर टुडे और आपको जो होमवर्क मैं दूंगी उस होमवर्क को आपने मुझे करके तो व्हाट्सएप के ग्रुप पर सेंड करना है और रेगुलरली बेटा अपना काम जो है उसको करके कंप्लीट तो मुझे सेंड किया करें ओके जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़